हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम कॉन्टेक्ट सीट कमांड का यूज सीखेंगे। ये कमांड बेसिकली पेज पर इमेज का थंबनेल डिस्प्ले करती है। यदि एक साथ हमें सारी इमेज को एक ही पेज पर थंबनेल्स डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉन्टेक्ट सीट कमांड का यूज करते हैं। ये कमांड फाइल मेन्यू के अंदर ऑटोमेट के अंदर यहाँ पर ये दिया हुआ है कॉन्टेक्ट सीट टू कमांड। इस पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये कॉन्टेक्ट सीट टू की विंडो ओपन होती है। अब यहाँ से हमें किस फोल्डर की इमेज को हमें ओपन करना है तो यहाँ पर हम ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप में यहाँ पर ये इमेजेस नाम का फोल्डर, सैंपल पिक्चर नाम का फोल्डर बना हुआ है, उसको सेलेक्ट करते हैं। ये सैंपल पिक्चर का फोल्डर बना हुआ है, इसको सेलेक्ट किया, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो जिस भी फोल्डर को हमने सेलेक्ट किया है उसकी लोकेशन यहाँ पर डिस्प्ले होती है। उसके बाद यहाँ पर ये नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लूड ऑल सब फोल्डर। यदि फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है, मतलब सब फोल्डर है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इस चेकबॉक्स को चेक्ड रखेंगे। यदि हमारा एक ही फोल्डर है उसके अंदर कोई भी सब फोल्डर नहीं है तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पर अनचेक्ड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसका प्रीव्यू दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये इसकी विड्थ और हाइट का ऑप्शन हो रहा है तो यहाँ पर इसको हम इंचेस में रखना चाहते हैं, सेंटीमीटर या पिक्सल जिसमें भी रखना है तो यहाँ से हम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसकी इमेज पिक्चर की साइज हमें कितनी रखनी है, इसकी विड्थ और हाइट कितनी रखनी है तो यहाँ से हम इसकी विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया 7 इसकी विड्थ कर दी और 7 हाइट। उसके बाद यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन दिया हुआ है तो रिजोल्यूशन इसका कितना रखना है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे मैंने इसका रिजोल्यूशन कर दिया 250, जितना भी रिजोल्यूशन रखना है तो यहाँ से हम इसका रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। इसका मोड कैसा रखना है, ग्रे स्केल में रखना है, RGB, CMYK, लैब कलर, तो अभी मैंने यहाँ पर कर दिया RGB, तो अपने अकॉर्डिंग हमें जैसा भी इसका मोड रखना है यहाँ से हम इसका मोड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका थंबनेल्स दिया हुआ है, थंबनेल्स में यहाँ पर प्लेस में दिया हुआ है अक्रॉस फर्स्ट और डाउन फर्स्ट। यदि हम यहाँ पर अक्रॉस फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये रो वाइज कंप्लीट होगा और यदि हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं डाउन फर्स्ट तो कॉलम, तो यहाँ पर ये कॉलम वाइज क्रिएट होगा। यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं Across first, एक बार इसको select करके देखते हैं across first, फिर next time यहाँ पर down first करके देख लेंगे। पहले यहाँ पर करते हैं across first, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये column और row, तो यहाँ पर इसकी column कितनी रखनी है, rows कितनी रखनी है, जैसे यहाँ पर अभी दिखा रहा है 5, तो यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 column है और 6 row, 1, 2, 3, 4, 5, 6 row, यहाँ पर मैंने कर दिया 4 कॉलम और 5 रोज या 4 रोज कर देते हैं, 4 कॉलम 4 रोज, तो यहाँ पर ये 4 कॉलम और 4 रोज में आएगा, यहाँ पर 5 ही कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये सेट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे ये, तो इस तरीके से यहाँ पर ये पेज का ये थंबनेल दिखा रहा है ये इस तरीके से। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था जो जो हमने यहाँ पर सेट किया हुआ था वो पेज पर यहाँ पर इस तरीके से ये जितनी भी उस फोल्डर के अंदर इमेजेस थी उसमें ये एक्शन अप्लाई हो गया। यदि हम चाहते कि यहाँ पर ये जो पिक्चर के नीचे यहाँ पर ये नाम भी बता रहा है, अभी हमने अक्रॉस फर्स्ट करके किया था तो यहाँ पर ये रो को कम्प्लीट कर रहे हैं। अब दोबारा से हम यहाँ पर फाइल मेन्यू पर जाते हैं ऑटोमेट और कॉन्टेक्ट सीट टू इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, अभी अक्रॉस फर्स्ट था तो ये रोज को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं डाउन फर्स्ट, डाउन फर्स्ट को सेलेक्ट किया और यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो इमेज के नीचे ये कैप्शन दिखा रहा है, पिक्चर का नाम शो कर रहा है, यदि हम चाहते हैं कि ये पिक्चर का नाम शो ना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर इस ऑप्शन को अनचेक्ड कर देते हैं।
यदि हम चाहते हैं कि इस पिक्चर का नाम शो हो और उसका यदि हमें फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, पहले टाइम जब क्रिएट किया था तब अक्रॉस फर्स्ट को सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पर करते हैं डाउन फर्स्ट और इसको हम यहाँ पर अनचेक्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये पिक्चर का नाम शो हो रहा है वो पिक्चर का नाम अब शो नहीं होगा। यहाँ पर ये डाउन फर्स्ट करके क्रिएट करते हैं, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से ये ओपन होता है। तो डाउन फर्स्ट में ये क्या करता है, कॉलम क्रिएट करता है और अक्रॉस फर्स्ट में रोज को क्रिएट करता है। मतलब ये पहले इस तरीके से ओपन होगी और डाउन में ये इस तरीके से ओपन होगी। तो डाउन में ये कॉलम को क्रिएट करेगा और अक्रॉस फर्स्ट में रोज को क्रिएट करता है। यहाँ पर अब जो इमेज का नाम शो हो रहा था, ये इमेज का नाम शो हो रहा था, जैसे इस ऑप्शन को अनचेक भी किया तो ये जो इमेज का नाम यहाँ पर शो हो रहा था वो हट गया। इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी तरीके से कंटेक्ट सीट कमांड का यूज करके हम थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं इमेज का। जैसा भी हमें इमेज का थंबनेल्स क्रिएट करना है तो इस ऑप्शन के द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे। तो एक्शन को क्रिएट करने के पहले हम यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज को ओपन कर लेते हैं। तो इमेज को ओपन करने के लिए फाइल मेन्यू ओपन और यहाँ से एक इमेज को सेलेक्ट करके इस इमेज को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक्शन क्रिएट करने के लिए, एक्शन को ओपन करने के लिए विंडोज़ मेन्यू पर जाते हैं। विंडोज़ मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्शन ऑप्शन, जैसे हम यहाँ पर एक्शन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये एक्शन की विंडो ये पैलेट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर ये पहले से ही इस इमेज में ये जो पिक्चर हमने ओपन की हुई है यहाँ पर ये पहले से ही कुछ एक्शंस यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर ये एक्शन शो हो रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर ये इस तरीके से दिख रहा है, जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे, ये जैसे इसमें क्लिक किया तो यहाँ पर इसको इसके अंदर ये कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर ये यूज़ किए गए हैं वो बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये इसकी पोजीशन जो है वो 50 पिक्सल है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर जैसे इसको देखना चाहते हैं कि ये जो सेट सिलेक्शन में किस किस ऑप्शन का यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इसके अंदर सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। यदि हम यहाँ पर जो भी एक्शन प्ले कर देखना चाहते हैं, यहाँ से हम पहले एक्शन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये वुड फ्रेम दिया हुआ है इसको देखना चाहते हैं तो इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और प्ले बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम प्ले बटन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये वुड फ्रेम अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से यदि दूसरी इमेज ओपन करते हैं यहाँ पर, दूसरा कोई यहाँ पर एक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, एक्शन देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम एक्शन सेलेक्ट करें वो उस इमेज पर अप्लाई हो जाए, तो यहाँ से हम एक्शन को सिलेक्ट करके और प्ले बटन पर क्लिक करते हैं। यदि हम खुद का एक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज पहले इसको क्लोज कर देते हैं और एक इमेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एक इमेज को ओपन कर लिया। इमेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर ये बटन दी हुई है क्रिएट न्यू एक्शन। जैसे हम यहाँ पर क्रिएट न्यू एक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू एक्शन की विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक्शन का नाम दे देते हैं कि किस नाम से हमें एक्शन को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एक्शन कमांड, एक्शन कमांड नाम दे दिया और यहाँ पर रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है ये एक्शन कमांड का ये जो नाम हमने क्रिएट किया हुआ था। अब इसमें यदि हम जो भी चेंजेस करते हैं, यहाँ से चेंजेस करने के लिए जैसे इस इमेज का साइज यदि हमें चेंज करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इमेज साइज में जाते हैं और यहाँ पर इस इमेज की साइज़ को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने इसकी साइज़ चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 600, ओके ये चेंज कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर इसको हम करते हैं स्टॉप, स्टॉप किया। अब जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें हमने इसकी विड्थ और हाइट को ये कितना रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इसकी विड्थ को ये 600 पिक्सल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं। अब जैसे
ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक्शन क्रिएट कर लिया है। एक्शन कमांड इसका नाम दिया हुआ था, एक्शन कमांड नाम से इस एक्शन को हमने क्रिएट किया और इसमें हमने चेंजेस किया है, ये इमेज की साइज को चेंज किया है। उसके बाद यदि हम यहाँ से दूसरी इमेज को ओपन करते हैं, जैसे यहाँ से मान लो मैंने इस इमेज को ओपन किया और इस इमेज के ऊपर हम ये एक्शन अप्लाई करना चाहते हैं, ये वाला एक्शन प्ले करना चाहते हैं जो हमने यहाँ पर एक्शन कमांड नाम से क्रिएट किया है। तो इस इमेज को ओपन किया और यहाँ पर इस कमांड इस एक्शन को सिलेक्ट करेंगे और प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो एक्शन इसमें अप्लाई हो जाएगा जो भी एक्शन हमने यहाँ से क्रिएट किया हुआ था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्शन का यूज़ करके अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर इमेज के ऊपर एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और खुद का एक्शन भी क्रिएट करके इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम अलग अलग तरीके से एक्शन को क्रिएट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेते हैं। इस इमेज को ओपन कर लिया, इसकी साइज यहाँ से थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इमेज साइज मैंने यहाँ से कर दिया 300। उसके बाद यहाँ पर एक्शन पैलेट को ओपन करने के लिए विंडो मेन्यू पर जाते हैं और यहाँ पर ये दिया हुआ है एक्शन। जैसे यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करेंगे तो एक्शन की पैलेट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें एक्शन क्रिएट करना है तो एक्शन क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक्शन का नाम दे देते हैं। मैंने यहाँ पर एक्शन का नाम दे दिया इमेज कलर, ये नाम दे दिया। रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं। अब इसमें हम जो भी चेंजेस करेंगे, जो भी हम इसमें सेट करेंगे वो इमेज कलर एक्शन के अंदर सेट होगा। तो यहाँ पर इमेज मेन्यू पर जाते हैं, एडजस्टमेंट, और यहाँ पर कलर बैलेंस हमें कितना देना है तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसका कलर बैलेंस दे सकते हैं। सियान कितना देना है, मेजेंटा कितना देना है, येलो कितना देना है, ये इस तरीके से। ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अगेन इमेज मेन्यू पर जाएंगे, एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। यहाँ पर ये ब्राइटनेस कितनी देनी है तो यहाँ पर ये ब्राइटनेस दे दिया। कंट्रास्ट कितना देना है तो यहाँ पर ये कंट्रास्ट सेट कर दिया। ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अगेन इमेज मेन्यू पर जाते हैं, एडजस्टमेंट और ह्यू सैचुरेशन। अब यहाँ पर ह्यू कितना देना है, सैचुरेशन और लाइटनेस कितनी देनी है वो सेट करते हैं। ये ह्यू दे दिया, सैचुरेशन, लाइटनेस, ये इस तरीके से सेट कर दिया। ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो जो यहाँ पर हमने जिस जिस ऑप्शन का यूज़ किया है, ये इमेज कलर नाम का एक्शन बना हुआ था, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और ह्यू सैचुरेशन का यूज़ किया। अब इसको यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। अब ये एक्शन हम दूसरी इमेज में प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाइल मेन्यू पर जाते हैं, ओपन, और यहाँ से दूसरी इमेज को सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। अब इस एक्शन को इस इमेज के ऊपर प्ले करना है, यहाँ पर ये प्ले बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी एक्शन हमने यहाँ से क्रिएट किया हुआ था वो इसमें अप्लाई हो जाता है।